रानू चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में निकली थी। मैं तो अपने घर का रास्ता ही भूल गई। अब मैं घर वापस कैसे जाऊं? बेचारी रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहां पर एक आकाश नाम का चिड़ा आता है। अरे आप कौन हो और यहाँ की जंगल की नहीं लगती है? मैं दूसरे जंगल की हूँ। मैं भोजन की तलाश में आई थी और अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। इस जंगल में अभी नया नया हूँ, मैं इस जंगल का रास्ता नहीं जानता हूँ। पर मैं अंडे देने वाली हूँ और कभी भी अंडे दे सकती हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तभी आकाश चिड़ा रानू चिड़िया के लिए एक घोंसला तैयार कर देता है। सुबह होने पर अगले ही दिन रानू चिड़िया दो अंडे देती है। वह अपने अंडे को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरे अंडे तो बहुत ही स्वस्थ दिख रहे हैं। तभी वहाँ पर आकाश चिड़ा भी आ जाता है। अरे वाह, तुमने तो कितने प्यारे अंडे दिए हैं। तब रानू चिड़िया आकाश चिड़ा से कहती है, क्या आप कुछ देर के लिए मेरे अंडों का ध्यान रख सकती हैं? मुझे जंगल में भोजन लेने जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों के पास ही हूँ, तुम आराम से अपने लिए भोजन लेके आओ। अब रानू चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ में सेब लगा दिखाई देता है। कोई है, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तभी रानू चिड़िया उनके पास आती है। हेलो सेब और अपनी भूख शांत कर लो। अरे बड़ी मुश्किलों से तो मुझे एक सेब मिला था, अब मैं क्या खाऊंगी। तभी रानू चिड़िया को अपने बच्चों की आवाज सुनाई दे जाती है और वह भागकर घोंसले में जाती है तो देखती है अंडों में से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए हैं। शाम होने पर जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं और वह अपने पंखों की सहारा देती है और अपने बच्चों को छिपा लेती है। रानू चिड़िया का घोंसला पानी से भरने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसमें से एक बच्चा मर जाता है। अरे मेरा बच्चा मर गया। तभी वह अपने दूसरे बच्चे को लेकर आकाश चिड़ा के पास जाती है। भैया भैया दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला टूट गया है। अंदर से आवाज आती है, नहीं हम तुम्हें अंदर नहीं आने देते। बेचारी रानू चिड़िया बारिश में ही इधर उधर भटकती रहती है। तब वही बूढ़ी कबूतरी उसे दिख जाती है। अब बूढ़ी कबूतरी कहती है, अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे भोजन खिलाया था। बूढ़ी कबूतरी रानू चिड़िया और उसके बच्चे को अपने घर पर ले जाती है। अब रानू चिड़िया उस कबूतरी के साथ अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अब उसके घर में रहने लगती है। एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी बहन टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया उससे सारा घर का काम करवाती और उसका खाना अकेली ही खा जाती थी। दीदी आपने फिर से मेरा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगी, मुझे भी भूख लग रही है। अरे चुप कर, तू बहुत मुंह चलाने लगी है, तो जंगल जाकर और खाना लेके आ सकती है, जा यहाँ से। बेचारी रानू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। अब टूनी चिड़िया जंगल में जाकर एक पेड़ के पास उसे काटने लगती है। अब जैसे ही टूनी चिड़िया उस पेड़ को काटती है, उस पेड़ में से आवाज आती है, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। वह पेड़ को फिर से काटने लगती है। तभी पेड़ में से फिर से आवाज आती है, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें अपने पेड़ में से सेब दे सकता हूँ, वह एक जादुई सेब होगा और तुम उससे जो मांगोगी वह मिल सकता है। पर मुझे एक सेब नहीं चाहिए, मुझे तो ढेर सारे सेब चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें बस एक सेब दूंगा, वही तुम्हारे लिए काफी है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, मैं तो तुम्हारी लकड़ियाँ काट के उन्हें बाजार में बेचूंगी। बोल के वह बराबर लकड़ियाँ काटे जा रही थी। तब पेड़ को गुस्सा आता है और पेड़ कहता है, लगता है तुम एक बहुत लालची चिड़िया हो, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तब वह जल्दी जल्दी से कुल्हाड़ी चलाने लगती है। तब पेड़ को बहुत गुस्सा आता है। तभी वह जादू सेब का पेड़ आग उगलने लगता है और उस आग में टूनी जलने लगती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने अपने लालच में आकर ही अपनी जान गंवाई है, अब तुम जिंदा नहीं रह सकती। और टूनी चिड़िया जल के वहाँ पर
भस्म हो जाती है। ऐसे उस लालची चिड़िया को अपने किए की सजा मिल जाती है। रानू चिड़िया की माँ के मरने के बाद वह अपने पिता आकाश चिड़ा के साथ बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब मैं अकेला अपनी बेटी का ध्यान कैसे रखूं? रानू, मैं जंगल में भोजन लेने जा रहा हूं, तुम घर पर आराम से रहना। तभी आकाश चिड़ा जंगल में चला जाता है। अब जंगल में वह भोजन ढूंढ रहा था, तभी उसकी मुलाकात टूनी चिड़िया से होती है। टूनी चिड़िया और आकाश चिड़ा में ढेर सारी बातें होने लगती हैं। अब वह टूनी से शादी कर अपने घर पर ले आता है। तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे शादी केवल अपनी बेटी के लिए ही की है। अब टूनी आकाश चिड़ा के सामने रानू चिड़िया से बहुत ही प्यार करती, लेकिन जैसे ही आकाश चिड़ा बाहर जाता तो वह रानू से कहती, अब क्या कड़ी कड़ी मेरा मुंह देख रही है, जा सारे घर का काम कर और अब तू भी बड़ी हो गई है और जंगल से भोजन लाना सीख। पर मेरे पापा और माँ ने तो मुझे आज तक कोई काम नहीं सिखाया है, जा जंगल जा और भोजन का इंतजाम कर। बेचारी रानू चिड़िया एक कोने में पड़ी हुई बैठी रहती थी। तभी जैसे ही आकाश चिड़ा आता, मेरी प्यारी बेटी। अरे तुम दोनों माँ बेटी में तो बड़ा प्यार है, तुम क्या बातें कर रही हो। आकाश चिड़ा बहुत ही खुश था। अब रानू चिड़िया पर दिन ब दिन अत्याचार होने लगा और उसकी सौतेली माँ उसको बहुत ही परेशान करती थी। अब एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखो ना बैजी, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? अरे तुम्हारी पत्नी को तो बहुत भयानक रोग लगा है और यह रोग कभी ठीक भी नहीं हो सकती। पर हाँ, अगर तुम्हारी पत्नी की कोई दिन रात सेवा करे तो यह रोग खत्म हो सकता है। मैं करूँगी ना अपनी माँ की सेवा, मेरी माँ कितनी प्यारी है। रानू चिड़िया टूनी चिड़िया की रात दिन सेवा करती और उसका बहुत ख्याल रखती। यह देखकर रानू चिड़िया के मन में बहुत पछताव होता है और वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया है। तुम बहुत अच्छी चिड़िया थी और तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी रही होगी। हाँ हाँ माँ, हम मेरी माँ ने सिखाया था कि कोई तुमसे कितना भी बुरा व्यवहार करे पर हमें अपनी आदत नहीं बदलनी चाहिए। तभी वहाँ पर आकाश चिड़ा आ जाता है और उनकी यह सारी बातें भी सुन लेता है। तुम तो मर जाओ तो ही अच्छा है, चलो बेटी इसको मरने दो और यहाँ से चलो। नहीं पापा, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं एक माँ को तो खो ही चुकी हूँ, अब मैं दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती। सुनकर आकाश चिड़ा अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। रानू चिड़िया की सेवा से अब टूनी चिड़िया भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानू को बहुत प्यार करने लगती है। आकाश चिड़ा जंगल में मुर्गी के अंडे बेचा करता था। अरे वाह भाई आकाश जी, आपके अंडे तो बिना केमिकल वाले और बहुत ही अच्छे अंडे होते हैं, हमें इससे ज्यादा अंडे भी दे दिया करूँ। ठीक है भाई, कल से मैं ज्यादा अंडे दे दिया करूंगा। रानो, अब हम क्यों ना और मुर्गियां पालें, जिससे हमारी आमदनी और बढ़ेगी। अरे गौरी, इसके अंडों में पता नहीं क्या होता है, जो इसके अंडे सारे दुकानदार लेना पसंद करते हैं। मैं जब भी अपनी मुर्गियों के अंडे बेचने जाता हूँ तो सारे दुकानदार मेरे अंडे कम ही लेते हैं। अरे जी, तो इसका कुछ इंतजाम कर देते हैं ना। अब रात हो जाती है और सब अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। अब सुबह जैसे ही रानू चिड़िया अपनी मुर्गियों को दाना चुगवाने के लिए गेट खोलती है तो देखती है उसकी सारी मुर्गियां मरी पड़ी हुई हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो घर ही लुट गया। भागा भागा वहां आकाश चिड़ा भी आता है और देखता है कि उनकी मुर्गियां मरी पड़ी हुई हैं। अरे रानू ये क्या हो गया, अब मैं उस दुकानदार को अंडे कहां से लाके दूंगा। देखा गौरी, मैंने कैसा आइडिया लगाया, हम धीरे धीरे बहुत अमीर पक्षी बन जाएंगे। सारे दिन रोने और बिलखने के बाद रानू चिड़िया नदी पर जाती है। तभी रास्ते में उसे किसी की आवाज आती है, अरे कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। तभी रानू चिड़िया उसके पास आकर उसे पानी पिला देती है। अब वह कबूतरी बिल्कुल ठीक हो जाती है और कहती है, तुम इतनी उदास क्यों हो,
तब रानू चिड़िया अपनी सारी बात उसे बता देती है। मैं तुम्हें यह अंडा देती हूँ, इस अंडे को अपने खेत में जाकर रात को दबा देना। अब रानू चिड़िया अपने खेत में जाकर उस अंडे को दबा देती है। अब जब दूसरे दिन जगह अंडे के पेड़ लगे हुए थे, यह नजारा देखकर तो वहाँ सब लोग आश्चर्य से हो रहे थे। अरे रानू, यह क्या हो गया? लगता है वह जादुई अंडा था। के बाद से रानू और आकाश दोनों अपने अंडों को बेचकर बहुत ही अमीर पक्षी बन चुके थे।